हम 4,24 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश के, 6 करोड़ लगभग परिवार है, और 6 करोड़ परिवार में सरकार बना ले बैठा है। और सरकार बना के जेकरे घरे रोजगार नौकरी ना हो, वो परिवार के जब तक रोजगार नौकरी सरकार ना दे गई 22 में बना के हम लोग जब तक ना दे दे, तब तक 10,000 रुपया महीना गरीबों को पालन पोषण के लिए, भरण पोषण के लिए 10,000 रुपया महीना तब तक देने का कानून उत्तर प्रदेश में हम बनाना चाहते हैं। तो बताओ ठीक रहे कि नहीं ठीक रहे? कई लोग का हमने के समझाओ तुम्हें मुसलमान खा जाए है ना? अरे मोदी जी योगी जी 4.5 साल से यहाँ हुआ हुआ और 7 साल से हुआ वो दाढ़ी बढ़ा ले लन ये दाढ़ी छिलवा जाते है ना? ये दोनों का खेल देखा, ये लोग हुआ से यहाँ से चिल्ला तुम्हें कि मुसलमान के देश से निकालेंगे, एक को निकालन 7 साल में मोदी जी, एक भी मुसलमान निकाले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो गया उसको मोदी नहीं, मोदी का दादा भी नहीं निकाल सकता। ये उनका सागर कहता है जमाना, जब तक हम लोग नहीं जानते थे मोदी जी योगी जी, आप पढ़ाते हो मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में है, तो सरकार तक तो हर लगा था 55 सिपाही एक जमीन के पीछे, अगर सिपाही कम हो तो मलेट्री लगा था वो कम हो तो जब उनको पिछवा घूमा तुम तू लोग सुरक्षित हो वो लगा था। ये खाली हम आने के बतावत हूँ हिंदू खतरे में ना हो, खतरे में अगर कोई हो तो योगी मोदी का कुर्सी खतरे में है, कोई हिंदू खतरे में। ये बते हम लोगों का सोच और विचार है, लड़ाई है, आप बतावा लड़ाई सही है कि गलत है? अब ये लड़ाई के जंग देवे बदे भैया पवन जी यहाँ बुलवले हुए तो बोला ये सही कहले कि गलत कहले? सही कहले हम ना। अभी कितना जने का राशन कार्ड नहीं बना और न अब कितना जने का देख रहा हो हाल बा कि जे करे मकान बा 4 बीघा 10 बीघा जमीन बा ओकर राशन कार्डो बन गए बा है ना? अब हम जुगाड़ बना रहे थे 22 में सरकार बनावा बता के चले कि लोग राशन कार्ड के जे मकान बा आवास जेकरे मकान बा जेकरे जमीन बा बगीचा बा 2022 में सरकार करने के बाद ये लोग राशन कार्ड फेंक के ना भागल फसल अपने माँ बाप का फायदा नहीं देते। अब व्यवस्था बनाम कर लगी लोग घबराओ नहीं, हमें अमीरन का लड़ाई ना लड़ा के मोदी की नहीं, मोदी के दुनिया चेला हम अडानी और अंबानी है ना? अब मोदी हम दुनिया चेला मोदी जी और अमित शाह दिल्ली में अनिया योगी मोदी लोग कहा दुनिया हम तो हमारे तो तीसरा कोई नहीं, यही बजे हमारे उम्र थे कि चला आवा तोहरो भाषण हुई हमरो भाषण हुई, एक तरफ मोदी जी का मंच लगेगा दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का मंच लगेगा। तू कब हिंदू खतरे में है, हम घर की बिजली का बिल माफ करेंगे हो पूरा चेकर बात सही है। मोदी का ये हिंदू खतरे में, हम घर यहाँ शिक्षा खतरे में बा, गरीब ना पढ़ पावल तुमन दिल्ली में शिक्षा चाहिए 27 तारीख के तारीख तय बा 27 के इतना कहीं हजार तू बा जानत बा मऊ जिला में बा हल्दर को गांव बा स्टेशन भी बा हल्दर को 27 तारीख के हल्दरपुर में ज्यादा लोग के ना जुटे के है। हम तो बलिया का रहने वाला हम मुगल भाई बनारस छोड़ दे भाई हम बलिया आ गए भाई नाम कटवा दे हुआ से दसड़ा में ना लिखा ले भाई जानत है। अब हम क्या किया कि इतना पानी बलिया से ज्यादा नहीं, यहाँ 7 विधानसभा है ज्यादा लोगों के ना चले के खाली जितना रक्षण में पाया है इतना जने आए है इतना जने अपने अपने सभी लेकर जने के ले चला खाली रक्षण बलिया से 20,000 लोगों के जाए के है कितना 20,000। अब कैसे जावा बोला कैसे चलवा